और इस पे मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे लगाए हैं। इस अभी तो कुछ भी नहीं बच रहा है मैम, यहाँ बच नहीं रहा है। इसके लिए भी बहुत मुश्किल से कस्टमर्स आ रहे हैं, रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ये कि बीटेक करके ये क्यों कर रही है, या तो कोचिंग क्लास कर लेती अगर इतना ही ज़रूरत है, फिर कुछ और करवा लेती, ये क्यों कर रही है। यहाँ पे सामने कुछ बंदे बैठते हैं और सीधे बोल के जाते हैं, अरे मैं भी सोच रहा हूँ बीटेक करके ऑटो रिक्शा चला लूँ, तो लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है मेरे को जो करना है वो करना है। अभी सिर्फ 19 साल की है उम्र, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, इस बार अभी होने वाली है, लेकिन इतना आगे स्टेप लेना, इतना सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गली गली जायका में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता, सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड कॉलेज में। यहाँ पर जो है एक यंग लेडी क्या कहूँ, गर्ल ही है, स्टडी करती है, कॉलेज गर्ल है, और जो कि चाय बेचने निकली है। तो देखते हैं आज क्या कुछ बेच रहे हैं। चाय से वैसे भी इंडियंस का बहुत काफ़ी गहरा रिश्ता है, तो हम भी निकल आए हैं आज उनकी चाय को टेस्ट करने के लिए। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि वो कैसी और किस किस्म की चाय बेच रही हैं। चलिए। राधे राधे। राधे राधे मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्तिका सिंह है। वर्तिका सिंह, आप ये बताइए, चाय जो है आपकी B.Tech चाय वाली के नाम से है। हाँ जी। ये B.Tech मतलब आपने किया है क्या? मैं अभी कर रही हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ, प्रोसेस में है। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे आइडिया है आपको ये चाय स्टॉल खोलने का? मैम, मेरे को कुछ अपना बिजनेस का स्टार्टअप करना था, तो 4 साल वेट करके करूँ, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही क्यों ना करूँ, जब मैं, क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट नहीं लेनी, मेरे को अपना बिजनेस ही करना है। आप कहाँ से बिलोंग? मैं बिहार से हूँ। आपकी फैमिली बिहार में ही है? हाँ, मेरी फैमिली बिहार में। और यहाँ आप कैसे रहते हो? मैं यहाँ पीजी में रहती हूँ। पीजी में रहते हो, और कब लगाते हो स्टॉल आप? मैम, शाम में 5:30 से 10 बजे तक। और सुबह का टाइम? सुबह में, क्योंकि मेरा कॉलेज होता है डेली, रेगुलर। हाँ, रेगुलर, सैटरडे संडे ऑफ है। तो चाय जब आपने सोचा करने के लिए, तो कुछ और माइंड में नहीं आया कि कुछ और भी कर सकते हैं? स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें आजकल। मैम, ये ऐसा काम है जो कि बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते हैं, और इस पे मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे लगाए हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मैं कोई और करती, जैसे कि मैगी या फिर मोमोज कुछ भी लगाती, उसमें मुझे किसी एक पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती, और ये मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ, और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती किसी और को रखना। तो डेली आप ये सेटअप लगाते हो? हाँ जी। मैं एक बात पूछनी थी कि यहाँ जो ये आप चला रहे हो ये कार्ट, यहाँ पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब क्या पे का सिस्टम है क्या? यहाँ पे रेंट पे करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। चाय आप किस तरह की चाय बना रहे हैं? मैम, यहाँ पे 3 टाइप की चाय मिलती है, नॉर्मल चाय, मसाला चाय और लेमन टी मिलती है। और क्या प्राइस है इनके? प्राइस बहुत ही मिनिमम है। नॉर्मल चाय 10 की है, मसाला चाय 15 की है और लेमन टी 10 की है। इस प्राइस में आपको बच जाता है? मतलब इस अभी तो कुछ भी नहीं बच रहा है मैम, यहाँ बच नहीं रहा है। इसके लिए भी बहुत मुश्किल से कस्टमर्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिलता है? नहीं, मेरे को लगा था कि चाय तो सबको पसंद आता है, पर इंडिया में चाय ही ऐसा जिसको हर घर में मिलेगा और सबको पसंद आए, लेकिन यहाँ इसका मेरे को रिस्पॉन्स बिल्कुल। कितना दिन हो गए यहाँ लगा? आज तो 5वां दिन है। 5वें दिन में मतलब कि कुछ फ़र्क दिखा? एक आधा थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स। बाकी सपोर्ट मिलता है आपको, आपके फ्रेंड्स वगैरह का, इन सब? नहीं, इस चीज़ को तो लेके फ्रेंड सर्कल में बहुत एक आधी दोस्त है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, बाकी सब तो ये है कि बीटेक करके ये क्यों कर रही है, या तो कोचिंग क्लास कर लेती अगर इतना ही ज़रूरत है, फिर कुछ और करवा लेती, ये क्यों कर रही है। तो देख रहे हैं आप, जान से बात है, कोई भी कहेगा कि बीटेक करके आप ये क्यों कर रहे हो। यहाँ पे सामने कुछ बंदे बैठते हैं और सीधे बोल के जाते हैं, अरे मैं भी सोच रहा हूँ बीटेक करके ऑटो रिक्शा चला लूँ, तो लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है मेरे को जो करना है वो करना है, मेरा अपना बात है। ये कि दुनिया का काम होता है बोलना, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में गट्स होने चाहिए कि आप बाहर निकल के इस तरह का काम अपने दम पे शुरू करते हो और उसे आगे लेके जाते हो। आज ये ज़रूर छोटा है, पर फ्यूचर में ये बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा, आई एम श्योर, बहुत बड़ा होगा। आपका नाम बहुत बड़ा होगा, जैसे कि हम MBA चाय वाले को जानते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हम जानेंगे B.Tech चाय वाली को, जो कि अपने काम से फेमस होगी, अपनी चाय के टेस्ट से फेमस होगी। तो वैसे मेरा बर्थडे आ रहा है 1 अक्टूबर, और मैंने सोचा है कि जो भी व्यूअर्स हैं, फिर जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, उस दिन मैं उनको फ्री में चाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मेरा 19th बर्थडे आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ 19 साल की है उम्र, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, इस बार अभी होने वाली है, लेकिन इतना आगे स्टेप लेना, इतना सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्ट्स की बात है, और बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए हमें ऐसे लोगों को। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमें अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आज आप हमारे लिए कौन सी चाय बनाएंगे? आप जो बता दो। यहाँ पे वैसे ज़्यादा सब मसाला चाय का डिमांड करते हैं। चलिए तो फिर आप हमारे लिए मसाला चाय बनाओ एक, और फिर हम बताते हैं आपकी चाय में कितना दम है। एक गर्ल्स टू गर्ल्स बात चल रही है तो मैं, मेरे मन में जो सवाल उठा है मैं वो आपसे पूछ लेती हूँ। आज का माहौल जानते हैं हम सब, ठीक है? हाँ। तो, और लड़कियों को बाहर निकलना बहुत वो लगता है, सबको लगता है कि कॉम्पिटिटर आ गई हमारी, और ऐसे में आप शाम के टाइम में 6 से 10 तक लगाते हो। आपको किसी तरह का मतलब कि डर नहीं लगता? मतलब डर वैसा नहीं, फिर भी अंदर होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि वैसे भी पता है कि हाँ सेफ नहीं है जी, कहीं से भी रिगार्डिंग कितना भी बातें कर ले कि नहीं अभी तो सब कुछ चेंज हो गया, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यही बेनिफिट है कि मेरा पीजी जस्ट पास में ही है, यहाँ से 1 मिनट ही लगता है जाने में, तो सेफ्टी के लिहाज से सब। उस वक्त भी जब भी मेरे को जाना होता है, मेरे दोस्त या फिर भी सर भी सपोर्ट में खड़े, वो लोग आ जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट है और ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। वैसे मैंने ये स्टार्टअप अपने स्कॉलरशिप के पैसे से करा है, मेरे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं ये कर रही हूं। वैसे अभी पता चला उन्हें कि नहीं पता? नहीं, अभी तक नहीं पता। अभी देखना, वीडियो देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा। और उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या लगता है, क्या रिएक्ट करेंगे? आके बोलेंगे बंद करो, घर चलो, पढ़ाई हो गई। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आने लगे तो क्या कहेंगे? शायद एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को, बट अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बिना बताया गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, मेरे दादा दादी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे अंकल रेलवे में, मेरी आंटी भी गवर्नमेंट टीचर है, और मैं उनके घर का पहला बच्चा हूँ। जब बिल्कुल ही अलग प्रोफेशन चुन लिया है उनके लिए। ये सोचा है कि अगर बीटेक में आगे अपना कंटिन्यू करेंगे स्टडी और कुछ जॉब की तरफ जाएंगे, या यही करना है? नहीं मैम, मेरे को प्लेसमेंट नहीं, अगर प्लेसमेंट चाहिए होता तो मैं ये नहीं करती, फिर उस पर फोकस करती हूँ। आप सिर्फ इसी को बढ़ाना चाहते हैं? अपना बिजनेस करना है जिसको बड़ा करना है। ओके, तो इस बात पे तो घर वालों को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। तभी मैंने सोचा है कि कम से कम 6 महीने का खुद को टाइम देते हैं, क्या होता है। चलिए, वैसे कहते हैं कि अगर हमारे हो तो कर लेना चाहिए, बाद में किसी तरह का पछतावा ना रहे। हमारे बिहार में छठ पूजा बहुत फेमस है, अभी हमारा छठ पूजा आने वाला है। और घर से प्रेशर है, घर पे आ जाओ, अगर मैं गई तो फिर ये बंद हो जाएगा। वो तो कोई नहीं है कि एक आध छुट्टी तो ले लेता है बंदा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि तब तक आपका स्टैब्लिश हो जाएगा। तो आई थिंक कि वो भी आपको सपोर्ट करेंगे वही लोग। अगर मैं घर पे नहीं जाती हूँ तो कुछ ना टाइम में वो लोग ही यहाँ पे आ जाएंगे मुझसे मिलने। वो आएंगे, वो वैसे नहीं आएंगे, वो वीडियोस देख के आएंगे आपके पास। फिर तो डंडे पड़ेंगे। नहीं, अगर अच्छा होगा चप्पल आएंगे वीडियो। नहीं, अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली डंडे नहीं पड़ेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप अपने दम पे इतना खड़े हो और कर रहे हो। बहुत कम देखने को मिलता है ये सब। और अभी तो उम्र भी बहुत छोटी है, 19 साल की अभी होंगी अक्टूबर में। तो रिक्वेस्ट है कि उस दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिले इनको कस्टमर का, जो भी ये चाहे वो सारी चीज़ें कर पाए अपनी लाइफ में, यही हमारी विशेष है इनके साथ। तो चाय में क्या क्या डाला आपने? मैम पहले मैंने इसमें दूध डाला था, उसके बाद एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें चाय पत्ती डाला है, उसमें एक उबाल आने के बाद अब मैंने चीनी डाला है, अब इसमें मसाला जाएगा। बहुत बढ़िया। और क्या मसाला कौन सा डालते हो? मसाला मैम मैंने खुद से बनाया है, इसमें 8-9 टाइप के मसाले हैं, होममेड मसाला है। हाँ, मैं मसाला चाय नहीं पीती, वैसे मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है। आज फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसी होती है। नॉर्मल चाय पीते हैं हम ज़्यादातर, तुलसी अदरक ये सब डाल के। तो देखते हैं मसाला चाय। हमारी तैयार हो गई है मसाला चाय। जैसा कि इसमें बताया, पत्ती, चीनी और एक सीक्रेट मसाला है जो कि स्पेशलिटी है इस चाय की। टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसी चाय। तो बिल्कुल जैसी हम लोग बनाते हैं ना घर में, वैसी है। मसाले का एक हल्का सा टच आता है जिसका आपको फ्लेवर मिलता है एक सिप करते ही। बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार चाय है आपकी। और आपको ट्राई करना चाहिए, आप यहाँ रहते हैं, आसपास से गुजरते हैं तो एक बार ज़रूर आइए बीटेक चाय वाली के पास। MBA चाय वाला तो आपने ट्राई किया हुआ है, अभी एक बार इसको ट्राई किया। गुड जॉब। थैंक यू मैम, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपने दम पे जो है स्टैंड करने की कोशिश करता है। और आई थिंक अगर हमें मौका मिलता है उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने का तो वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, और हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है, और आई एम श्योर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। और अगर इनकी फैमिली देख रही हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। पापा गुस्सा मत करना, एटलीस्ट मौका मिले, एक मौका तो देना चाहिए। कि वो अपने आप जो करना चाहती है वो कर ले, बाकी तो जैसा भी आप कहेंगे वही करेंगे। वैसे डंडे ना पड़े डंडे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छा होगा जो होगा। तो इस मज़ेदार चाय के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए सपोर्ट करने के लिए।